जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी बोट एंड स्ट्रीम की। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये क्लासेस जो हैं हमारी आगे के लिए कंटिन्यू लगानी है तो, इसलिए भी। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं तो ये चैप्टर जो है वो सारा का सारा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, यानी कि चाल, समय और दूरी पर ही डिपेंड करेगा। मगर ये बोट की मैं बात करूं कि बोट एंड स्ट्रीम की, तो बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम जो है एक अपस्ट्रीम होती है। क्या होती है? अपस्ट्रीम। और एक होती है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, वो अब आपको अंतर जानना है, यानी कि अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। अनुकूल हो गया डाउनस्ट्रीम, कभी भी पानी देखिए वो हर बार नीचे को ही फ्लो करता है। इसका मतलब यानी कि जो पानी है वो डाउनस्ट्रीम में वर्क कर रहा है, दिस इज द पॉजिटिव वर्क। क्योंकि पानी कभी भी जहां पे भी जाता है वो कहां जाता है, नीचे की तरफ ही फ्लो करता है। आप उसको पॉजिटिव वर्क डाउन यानी कि डाउनस्ट्रीम लेंगे पॉजिटिव में। और अगर वो अपस्ट्रीम में, अगर कोई तैराक है वो ऊपर को चढ़ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव होगा। एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपने क्या याद रखना है, मैं और भी बताता हूं। क्वेश्चन आपका सामने है, इसमें क्या है, हमें अलग अलग माध्यम से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ में सॉल्व करवाऊंगा आपको। जैसे कि शांत जल में चाल और अलग अलग तरीके से, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं पहले। एक नाभिक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव में चला सकता है, ठीक है। यदि नदी का जल प्रवाह जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रवाह के अनुकूल नाभिक की चाल क्या है। एक ये नाभिक है और ये नदी है, ये नदी है और नाभिक जल में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नाव को जो है वो चला रहा है। ये नाव को क्या कर रहा है, इसमें 8 की स्पीड से चला रहा है। कितने की स्पीड से चला रहा है बेटा, 8 की स्पीड से चला रहा है। और नदी का जो फ्लो है पानी का, वो भी है, वो भी कितना है नदी का, 3 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब बताओ कि जो बोटमैन है ऑफ द लाइन वाटर फ्लो, द स्पीड उसकी जो है वो फाइंड करनी है जब वो अनुकूल जा रहा हो, ठीक है। यानी कि वो जा रहा है अनुकूल, मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो है फ्लो ऑफ रिवर है। ये रहा, इफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्लोज ऑफ द रिवर इज 3 मीटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट्समैन इन अ लाइन ऑफ वाटर ऑफ फ्लो। मतलब जो नाभिक था यानी कि बोट वाला था, वो किस फॉर्म में जा रहा है, पानी की फॉर्म में जा रहा है, पानी की फ्लो में जा रहा है। जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड को वो फ्लो कर रहा है, यानी कि फ्लोट कर रहा है। तो यानी कि पानी की स्पीड और उस व्यक्ति की स्पीड आपस में क्या होगी, प्लस होगी। क्या होगी, प्लस होगी, यानी कि 8 प्लस 3 तो 9 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड बन जाएगी, ठीक है। अगर वो उसकी स्पीड मानकर चलते हैं यहां पर, जैसे आपको 8 दी, यहां पर 5 होती तो कितनी होती, कितनी होती, अच्छा 8 और 3 कितने हो गए, 11 बोला, 9 नहीं है, 11 गलत। अच्छा अगर आपको यहां पर 5 होती तो कितनी होती, तो 8 हो जानी थी, ठीक है। ये क्या है कि जितने फ्लोस में अगर आप धक्का लगाएंगे तो थोड़ा पानी का भी प्रेशर होगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, अगर अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया होता तो आपने क्या कर लेना था, इसको 5/18 या 18/5, जैसे हमने मैंने बताया है आपको
कि जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में हो, तो स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो चाल हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मीटर पर सेकंड, किसमें हो जाती है, मीटर पर सेकंड में। अगर चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है और इसको किलोमीटरों में बदलना है तो हम चाल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से कर देंगे प्यारे बच्चे, और ये हमारी जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। मगर इस वक्त के क्वेश्चन में जो है ये किलोमीटरों में ही क्वेश्चन था और आंसर था। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, एक नदी का जल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, यानी पानी जो है वो किस हिसाब से हो रहा है, 2 घंटा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक हो गया। अब नाभिक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। अगर ये पानी खड़ा है, शांत खड़ा है, जैसे अपना तालाब होता है या कोई डैम वगैरह वैसे, तो जल प्रवाह जल प्रवाह के साथ नाव होगा, नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी का जो है 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, कितने समय में तय करेगा, अब ये सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, 2 किलोमीटर की चाल से जो है वो उसकी रफ्तार है, ठीक है, शांत जल में यानी कि जो कोई भी जल हो उसकी स्पीड कितनी है नाव की, 4 की, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, इतना क्लियर है। तो टोटल चाल कितनी होगी उसकी, 6 होगी, यानी कि स्पीड कितनी होगी जी, 6 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करते रहिएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो भी बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। अब देखो ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने पूछा क्या है, समय, फाइंड द टाइम, कितने टाइम में ये, व्हाट इज द टाइम, ये व्हाट इज द टाइम विल बी द वाटर कवर और डिस्टेंस इन 12 सेंटीमीटर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 12/6 जो कि 2 आवर्स क्या रहेगा, 2 आवर्स, क्योंकि टाइम तो आवर्स में होता है, किलोमीटर क्यों आएगा, फिर किलोमीटरों से तो किलोमीटर कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या आएगा, आवर्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखो मैं बताता हूं, 12 ये किलोमीटर है, यहां पर भी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, होता क्या है, ये 12, ये 6, ये किलोमीटर, ये आवर, ऐसे ही होता है ना, ये किलोमीटर और ये आवर, अच्छा रेसिप्रोकल होने अपॉन में, अब किलोमीटरों से किलोमीटर कैंसिल हो गए तो बच गए ना आवर, 6 कम 6, 6 दुनी 12, 2 आवर्स ऐसे, तो मतलब यूनिट यूनिट से आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, ये हमें माइंड में जो है वो क्या करना है, रख लेना है प्यारे बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं जी, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 2 घंटे, ये देखिए, ठीक है, 2 घंटे का ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, ठीक है, शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति कितनी है, ये अब आपको क्वेश्चन जो है वो निकालना है, ठीक है। धारा की गति मतलब स्ट्रीम की फ्लो जो वो निकालना है, स्ट्रीम का फ्लो क्या है पता नहीं है, तो एक्स मान लो उसको और किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और शांत जल में नाव जो है वो 5 किलोमीटर से चल रही है, नाव जो वो किससे चल रही है जी, 5 से चल रही है। अब आपको ये पता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, होते हैं ना प्लस,
अगर नहीं दिए तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाना है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर यानी कि हमारी जो स्पीड है वो निकल गई बेटा, है ना सिंपल। और दिया क्या है इन्होंने, 3 घंटे में 18 किलोमीटर। घंटे भी है, मिनट भी है, कुछ नहीं है, सिंपल हो गया सवाल। कैसे, चाल बराबर है दूरी बटा समय, यही होता है फॉर्मूला। अब हमारी चाल का, चाल क्या निकाली हमने ये, ठीक है, तो यहां पर भर दो इसको, 5 जमा डिस्टेंस कितना हो गया 18 बटा 3। क्लियर है, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और x = 1 और यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे ने ये हमारी वीडियोस देखी नहीं होंगी अगर स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम की, तो उन्हीं क्लासेस को भी जरूर लगाइएगा विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के ऊपर। तो फटाफट जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करिए और अपना बैच जो है वो चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा तो आगे चले। डायरेक्ट आंसर ही आ गया है यहाँ पे, शो हो गया पहले से 560। चलो कोई बात नहीं, हमने आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की का तेज चल रही है, अच्छा हवा जो है वो चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। यदि हवा के अनुकूल वो इतने घंटे चले तो कितनी दूरी यानी कि डिस्टेंस तय करेगा, वो निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है हवा जब चलती है तो आदमी भी हिल जाता है, चलता है, ठीक है, तो हवा के साथ यानी कि बंदा भी हिलेगा। तो हवा ये है और शांत में ये है, ठीक है, हवा ये है शांत में ये है, तो टोटल कितना है यानी कि स्पीड होगी ना ये 25 जमा 150 यानी कि 175 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या होगी, स्पीड होगी। ये क्या चीज दी है, टाइम दिया सर, क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, 5 × 15 = 16 और ये भी आवर्स में ही है, तो हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं है ये जरूर बताना आप। ठीक है, अब काट दो इसको, 5 × 15 = 5×25 कितना आ गया, 560 किलोमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से लगे होंगे और बहुत ही सिंपल ही आ गए होंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर किया है ना, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर है जी, सभी बता दें, ऑनलाइन भी, ऑनलाइन भी बता दें सभी, अपनी अपनी जी बताते रहे साथ साथ में, कर रहे हैं कि नहीं है। एक नाभिक अपनी नाव से धारा के अनुकूल इतने घंटे में 25 किलोमीटर चला, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाभिक सामान्य चाल ज्ञात करें, यानी कि व्यक्ति की एक नॉर्मल चाल जो वो बतानी है। तो आपको ये पता है कि अब नाभिक जो वो धारा के अनुकूल चल रहा है, तो हमें मालूम करना या मानना पड़ेगा कि नाभिक की चाल क्या है, वो एक्स है। क्या है, एक्स है। देखो कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं, ये है नाभिक, ठीक है, बैठा हुआ ना यहाँ पे ऐसे तो पकड़ के, ठीक है, और ये ऐसे से फ्लो कर रहा है पानी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब जो है पानी जो है वो तो चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो नाभिक की चाल क्या होगी, एक्स। मानना तो सेम ही पड़ेगा, किलोमीटर तो ये किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में, अलग अलग यूनिट नहीं मानने का। दूसरा, 25 किलोमीटर चला है यहां से ऐसे 25 किलोमीटर, टाइम भी दिया है, निकालना क्या है, चाल ज्ञात करनी है। दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी,
प्लस हो जाएंगी, यानी कि एस किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दिया है 25, और टाइम कितना दिया है 2.5 आवर्स। तो अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड की वैल्यू डाल दो, एक्स प्लस 3 25 ओवर 2.5, सॉल्व कर लो, 25 पॉइंट हटा दो 10 आ गया, ये x प्लस 3 तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, कितनी होगी जी 7, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये टाइप बहुत अच्छे से आपका परफेक्ट हुआ होगा। क्लियर है जी, रिप्लाई करें जी, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है धारा का प्रवाह, यानी कि करंट फ्लो ऑफ 1.5 किलोमीटर व्हाइल अ बोट ट्रेवल 6.5 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर, व्हाट फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। तो धारा का प्रवाह जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में जो है वो इतना चलती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको ये देखिए कि क्वेश्चन को देखिए, एक धारा का है ये, ठीक है जी, स्पीड कितनी है 1.5 किलोमीटर, जबकि नाव स्थिर जल में इतनी है। अब इन्होंने पूछा कि इसमें चाल उसकी स्पीड किसमें पूछी है, विपरीत। विपरीत का क्या मतलब हुआ, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होती है, ऊपर को आ रहा है, उल्टा पूछा है, यानी कि इस साइड को अगर इसने 6.5 की अगर इसकी कैपेसिटी थी और इसकी इस साइड को है, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, स्पीड कितनी होगी। अगर नीचे से कोई ऊपर को आ रहा है और पानी नीचे से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर दे रहा है, कितना दे रहा है ऊपर से प्रेशर 1.5 का, और बंदा नीचे से ऊपर को किस स्पीड से चल रहा है, पर बंदे की स्पीड तो इतनी है, हमें क्या निकालना है, नीचे से जब ऊपर को आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, ये माइनस हो जाएगी, सिंपल सी बात है, और क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है, उल्टा वर्क हो रहा है। आई होप कि बात समझ आ गई होगी, और कुछ भी नहीं है, उल्टा है ना, ठीक है, पानी की स्पीड जो वो भैया वहां से जो उसकी स्पीड से है वो लेस हो जाएगी, और उसकी लेस हो गई तो यानी कि हमारा जो है वो अपस्ट्रीम हो गया। अगर डाउनस्ट्रीम बोलते तो हम प्लस कर देते, क्यों, पानी का फ्लो और नाभिक का फ्लो एक ही तरफ पर था। क्लियर है जी, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक नदी का जल जो है वो इतने 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, तैराक स्थिर जल में उसकी स्पीड इतनी है, नदी के विपरीत वो इतनी किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कितने समय में वो तैर कर वापस ले लेगा। इसका मतलब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है जी, तो स्पीड कितनी होगी बेटा, बोलो बोलो बोलो, 5 से 5 तो खत्म हो गए, 8 में से 2 गए, कितने रह गए, 6 रह गए ना भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डिस्टेंस कितना दिया है 21, समय पूछा हुआ है, और टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, जो कि आपका क्या आ जाएगा 21/6, ठीक है जी। अब काट सकते हैं, यानी कि 3 7 21 और 3 2 6, ठीक है जी, तो 7/2 हो गया, ठीक है जी। अब ऑप्शन पे आंसर है 3.5, ठीक है, घंटे। और अगर आपको मिनटों में दिया हो प्यारे बच्चों, तो कमेंट जरूर करना आपको क्या आंसर आता है,
ये आपने बताना है कि 7.2 को हम कैसे कर सकते थे घंटों में अगर कन्वर्ट करना होता। बताएंगे कोई? कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा। अगर घंटों और मिनटों में निकालना है तो 3 × 6 = 7 हो गया। तो ये जो 3 होता है वो क्या है? 3 घंटे। जी 3 घंटे। और गुणा 60 कर देंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? 2 × 1 = 2, 3 = 6, 30 मिनट। ये है पावर ऑफ द स्टडी और बोट एंड स्ट्रीम एंड डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से जो हैं आज समझ आए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। और भी बढ़िया से क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आप बने रहिएगा विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन के ऊपर भी और साथ में हमारे यूट्यूब हैंडल पर भी। तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।